लाइफ स्टॉक बिल 2023 आता है और सरकार ये लोगों के सामने रखती है कि अगर इस बिल को पास किया गया तो क्या आप लोग इसे स्वीकार करेंगे, और सिर्फ 48 घंटे में 1,00,000 ईमेल्स सरकार के पास चले जाते हैं। इतना बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बिल क्या सरकार पहले नहीं जानती थी कि वो इसे पास करे या ना करे? क्या सरकार के कानों तक बातें नहीं पहुंचती कि यह आस्थाओं से भावनाओं से जुड़ा हुआ है? लेकिन क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से सरकार मजबूर होती है, और जब उसे लगता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी आवाज नहीं उठी जिसे एनिमल एक्टिविस्ट या फिर लोग जागरूक नहीं हुए, और अगर वो अपोज ना करें जैसे इस केस में हुआ, लाइव स्टॉक बिल 2023 में हुआ, बड़े बड़े एनिमल एक्टिविस्ट आए, सेलिब्रिटीज आए जैसे कपिल देव, उन्होंने विरोध किया इस बिल का, जैन और हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने भी विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया। तो क्यों ऐसा सरकार कर रही है? क्या सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है या मजबूरी में ऐसा कर रही है? और इस लाइव स्टॉक बिल 2023 के पीछे WTO का क्या संबंध है? आज भारत दुनिया का एक बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, और इसकी शुरुआत होती है अंग्रेजों के समय में। 1898 में पहली बार लाइव स्टॉक बिल आता है, जिसमें यहाँ से जानवर ले जाकर बाहर और मांस का निर्यात करने के लिए बिल बनाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि 1947 में मिली आज़ादी के बाद अंग्रेजों के समय का बना हुआ वो बिल 50 से ज़्यादा साल तक यों का यों बना रहता है, और 2001 में सरकार जागती है और उसे लगता है कि वो थोड़े बहुत बदलाव करती है उस 1898 के बिल में, वो अमेंड किए जाते हैं और अभी इसे दोबारा से अमेंड किया जा रहा है। लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी जब उठती है जब लाइव स्टॉक बिल में कैनाइन जो एनिमल्स है उन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बिल में इतना बड़ा हाहाकार मचा, वो गाय के लिए मचा है, तो आप गलत हैं। आज भारत देश की सरकार गाय से राजनीति करके आई है, लेकिन आज गाय उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। हाँ, कैनाइन एनिमल्स जब इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कुत्ता और बिल्ली इस लाइव स्टॉक बिल में आते हैं कि उन्हें भी यहाँ से बाहर ले जाया जा सकता है, वो यहाँ पर काटे जा रहे हैं, वहां पर भी कटेंगे, तो बवाल उठता है। और एनिमल एक्टिविस्ट भी जागते हैं, सेलिब्रिटीज भी जागते हैं। कपिल देव जैसे सेलिब्रिटी खुद एक वीडियो में आकर ये कहते हैं कि जो कुत्ते हैं, जो ये लाइव स्टॉक हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। जो बवाल था वो इन पर ज्यादा था और दूसरों पर कम। खैर, फिर भी हिंदू और जैन धर्म के गुरुओं ने भी इस पर काफी आवाज उठाई, और गाय के निर्यात के लिए उन्होंने भी इस आवाज को बुलंद किया। इसके बाद सरकार ने वापस तो ले लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ये नहीं जानती, और अगर जानती है तो वो ऐसा बिल क्यों लेकर आती है? सरकार आपका टेम्परेचर चेक करती है, और अगर वो देखती है कि बवाल नहीं हुआ तो पास कर देंगे, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुए गैट करार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ये कुछ ऐसी संधियां हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ कुछ ऐसी संधियां हैं, दूसरे देशों के साथ कुछ ऐसी संधियां हैं कि आप हमें तेल दीजिए हम आपको मांस देंगे, कुछ इस तरीके की संधियां हैं, और इनमें लगातार अपडेट होता रहता है, और इसमें हर एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि जो मांस यहाँ से बाहर जाता है, जो कपड़ा यहाँ से बाहर जाता है, जो रॉ मटेरियल यहाँ से बाहर जाता है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे ही मांस के लिए भी स्टैंडर्ड है। तो अगर आप यहाँ से कोई भी चीज बाहर भेज रहे हैं और उसके लिए कोई स्टैंडर्ड है, अगर आप उसे पूरा नहीं कर रहे तो दूसरा देश आप पर पाबंदी लगा सकता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि कत्ल खानों में या फिर जहां पर मांस जानवरों को काटा जाता है, वहां पर जो हाइजीनिक कंडीशन है भारत में वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो दूसरा देश आप पर बैन लगा सकता है। इसीलिए सीधा ही यहाँ से निर्यात कर दो, यहाँ से बाहर भेज दो, और वो वहां पर काटेंगे और अपने हिसाब से उन्हें जो है उनका इस्तेमाल करेंगे। इससे एक और चीज होगा, इसमें ये भी प्रावधान था इस लाइव स्टॉक बिल 2023 में कि जो भारत की नस्ल है, जैसे कि भारत में कुछ ऐसी नस्ल है गाय की जो कहीं भी नहीं पाई जाती पूरी दुनिया में, उन्हें भी निर्यात करने का इस बिल में जो है प्रावधान था, और वो खतरनाक था क्योंकि इससे नस्ल खत्म होने की खतरा है। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी संधियां हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है सरकार को भी परेशानी हो जाए, तो इसीलिए सरकार वो लेकर आई। लेकिन एनिमल एक्टिविटीज, सेलिब्रिटीज और इसकी ओपोज इतना बड़े लेवल पर हुआ, जैसा मैंने बताया 48 घंटे में, सिर्फ जो 2 दिन में
1,00,000 से ज्यादा ईमेल सरकार के पास पहुंच गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक बार ओपोज करने से या एक बार सरकार के कदम पीछे हटाने से ये सब हो जाएगा? क्या सरकार इस तरीके का दोबारा नहीं लेकर आएगी? वो WTO, यूनाइटेड नेशंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे संधियों से बंधी हुई है, वो मजबूर है, वो अब नहीं तो बाद में लेकर आएगी, इस नहीं तो उस रूप में लेकर आएगी, लेकिन वो लेकर जरूर आएगी क्योंकि उसकी मजबूरी है वो लेकर आना। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे इंटरनेशनल कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा और तब क्या होगा? तब उसे मजबूरन लेकर आना होगा, फिर चाहे आप आवाज उठाइए या फिर सड़कों पर उतरिए या फिर कुछ कीजिए। तो सवाल ये उठता है इसे कैसे रोका जाए? जितनी आवाज बुलंद होगी उतना ही काम आपका होगा, लेकिन इसके साथ जब तक आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक ये नहीं होने वाला। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ये कहती है कि अगर आप मांस खाते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा 10 गुना ज्यादा है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि अगर आप मांस खा रहे हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में जो है उसके लिए आप योगदान दे रहे हैं, आपकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए ऐसा मत कीजिए, और कम से कम अगर आप इतना भी नहीं सोचते तो अपनी सेहत के लिए तो मत ही कीजिए। आज अलग अलग स्टडीज मेडिकल जर्नल्स की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं, शाकाहारी खाना खाते हैं, तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। आप अपने लिए ही कर लीजिए, जब तक आप इसको अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक लाइफस्टाइल छोड़िए, कुछ भी नहीं बचने वाला, और धीरे धीरे सरकार आपको इनसे दूर करेगी, चाहे वो इस देश की हो या किसी भी देश की हो। तो ये ऐसा होने वाला है, आज नहीं तो कल होने वाला है। सवाल ये है कि जब तक आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे इन सब चीज़ों को। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पहली रोटी गाय की, हमारे यहाँ जब घरों में रोटी बनती है सुबह तो पहली रोटी गाय की निकाली जाती है, ये इसकी उसकी महत्वता को बताता है कि वो कितनी महत्व है। तो जब तक आप ये काम शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ नारों से निकाल कर उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक ऐसे बिल आते रहेंगे और हो सकता है इस बार रुक गया हो, अगली बार वो पास भी हो जाए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।